नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में और आपके साथ मैं हूँ अर्षिता बघेल। आज न्यूज रूम में बात करूंगी प्रदेश की तमाम कुछ बड़ी खबरों के बारे में। भोपाल में आज से नेशनल लोक अदालत शुरू हो गई है। आपराधिक बैंक रिकवरी विद्युत अधिनियम वैवाहिक श्रम समेत अन्य के 53,000 से ज्यादा मामले वहां रखे जाएंगे और इनका हल होगा। वहीं नगर निगम प्रॉपर्टी और जलकर केस के सरचार्ज में 25% से 100% तक छूट देगा। और इसी बीच बीएमसी का सुबह 11:15 बजे पोर्टल भी बंद हो गया और वसूली जो है प्रभावित हुई। कुछ देर बाद पोर्टल शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 की बकाया राशि पर नगर निगम अब छूट दे रहा है। इसके लिए सभी 19 जोनल और 85 वार्ड कार्यालयों में कैंप भी लगाए गए हैं, जहां पर सुबह से ही टैक्स जमा कराने वालों की भीड़ लगी हुई है। इस दौरान पोर्टल बंद हो गया और वसूली जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। अफसर पोर्टल को सुधारने में लग गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आयोजित हो रही नेशनल लोक अदालत में लंबित रेफर्ड प्रकरण में ई चालान के 3,000 से अधिक प्रकरण को रखा जाएगा। वहीं नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से जुर्माना राशि में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे अब लोक अदालत में यह प्रकरण रखे जा रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश की महिलाओं युवाओं को लेकर शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। सरकार रविवार 15 मई से जिला एवं विकास खंड स्तर पर ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर लगाने जा रही है। इस दौरान प्रदेश के सभी विकास खंड मुख्यालय में कम से कम 2 खेल, छोटे जिला मुख्यालय पर 4 खेल, वहीं बड़े जिला मुख्यालय पर 8 खेल तथा संभागीय मुख्यालय पर 15 खेलों के प्रशिक्षण शिविर अब लगाए जाएंगे। पूर्व वर्षों की तरह इस वर्ष भी जिला एवं विकास खंड स्तर पर ही ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर जो है 15 मई से 30 जून 2022 तक लगाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में महिलाओं की आत्मरक्षा से संबंधित खेलों के भी प्रशिक्षण शिविर जो है आयोजित किए जाएंगे। वहीं 12 करोड़ रुपए के खर्च से UNDP मध्य प्रदेश के 75 स्वास्थ्य केंद्रों में सोलर पैनल जो है लगाएगा। इसमें भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य में से करीब 12 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रशिक्षण में 500 से 1000 तक युवा जो हैं लाभान्वित होंगे। UNDP प्रदेश में 15 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करेगी और जिसमें से अधिकांश स्टेशन जो है इंदौर में ही स्थापित किए जाएंगे। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 29 मई को हाई अलर्ट रहेगा। इस दौरान यहां पर विजिटर्स पास की सुविधा को भी बंद कर दिया जाएगा। वहीं यात्रियों के अलावा टर्मिनल किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशेष विमान से इंदौर पहुंचेंगे और यहां से वह उज्जैन जाएंगे। एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार 29 मई को राष्ट्रपति कोविंद उज्जैन के कालिदास संस्कृत अकादमी में होने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 2 दिवसीय 59वें अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए इंदौर में भी तैयारियां शुरू की जा रही हैं और अब तक इंदौर में उनके किसी भी कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। इसके अलावा अब तक कार्यक्रम के अनुसार वे एयरपोर्ट से बाहर नहीं आएंगे और अपने विशेष विमान से आकर इंदौर एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर से उज्जैन जाएंगे। जब राष्ट्रपति का विमान यहां आएगा, उस दौरान अतिरिक्त सुरक्षा बरतते हुए इंदौर हवाई क्षेत्र को नो फ्लाई जोन बना दिया जाएगा। इस दौरान आने वाली उड़ानों का समय भी बदल दिया जाएगा। एयरलाइंस को कह कर इनका समय राष्ट्रपति के आने के पहले या बाद में कर दिया जाएगा। कई बार इंदौर आ चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के समय भी इस तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की जाती है। वही सुरक्षा व्यवस्था अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आने पर भी की जाएगी। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां भोपाल में अब डॉक्टरों की मनमानी पर ब्रेक लगा दिया गया है। अब तक डॉक्टर के नाम पर एक ही अस्पताल खोला जाएगा और यही नहीं, किसी एक डॉक्टर का नाम 2 अलग अलग नर्सिंग होम के बोर्ड पर भी नहीं लिखा जा सकेगा। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर को बतौर कंसल्टेंट ज्यादा से ज्यादा 3 हॉस्पिटल में जाकर मरीज देखने और सर्जरी करने की छूट रहेगी। यह सख्ती स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है। खास तौर पर यह सख्ती ऐसे डॉक्टरों और नर्सिंग होम की मनमानी पर लगाम कसने के लिए की गई है। दरअसल कई डॉक्टर्स एक से ज्यादा अस्पताल में अपने नाम का उपयोग कर रहे थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। डॉक्टरों के नाम पर कोरोना काल में कई अस्पताल खोले गए और इन अस्पतालों के संचालकों ने जिन डॉक्टरों के नाम का उपयोग किया, उनके नाम पर 2 या उससे भी ज्यादा अस्पताल संचालित हो रहे थे। इसके अलावा कई डॉक्टरों के नाम पर भी कई हॉस्पिटल में भी लगे हुए थे। देखिए, बात कर लेंगे अगली खबर के बारे में, जहां इंदौर GRP ने ऐसे चोरों की गैंग को पकड़ने में
सफलता हासिल की है, जिनका टारगेट अकेली जा रही महिलाएं होती थी। यह गैंग लंबी दूरी की ट्रेनों में चलती चढ़ती और उनके दूसरे साथी ट्रेन के रूट पर ही कार लेकर चलते थे। जैसे ही ट्रेन आउटर पर या किसी भी स्टेशन पर रुकती, ये गैंग कार में बैठकर भाग जाती थी। ये गैंग लंबी दूरी की ट्रेनों में चढ़कर इंदौर, देवास, रतलाम और उज्जैन स्टेशनों के बीच महिलाओं को निशाना बनाती है। गैंग के गिरफ्तार सदस्यों का कहना है कि बिचौरी के पैसों से ही अपना जीवन यापन करते हैं। सांसी गैंग की तर्ज पर यह गैंग ऐसी वारदातों के लिए कम उम्र के ही लड़कों को तैयार करना शुरू कर देती है। पहले मुंबई की ट्रेनों में भी इन्होंने वारदातें की थी, लेकिन सख्ती बढ़ने के चलते उन्होंने अपने टारगेट को जो है बदल दिया था। ये गैंग इन महिलाओं को भीड़ में आसानी से टारगेट कर लेती थी। जिस महिला को टारगेट बनाना होता था, वहाँ गैंग के दूसरी सदस्य भीड़ बनाकर धक्का मुक्की करने लगते थे। इस बीच गैंग वारदात को अंजाम दे देती थी। एसपी ने बताया कि यह गैंग 2020 से ही टारगेट पर थी, जिसमें मूवमेंट बढ़ते ही टीमों ने अपना काम शुरू कर दिया था। इसके बाद वह लगातार इस पर काम भी कर रही थी। एसपी के मुताबिक दो वारदातों में तो आरोपियों के सीधे फुटेज आए हैं और गैंग के सदस्यों से रिमांड लेकर अब पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।